मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्प दंताधो जैन धर्मोस्तु मंगलम श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः। जैन संत परम पूज्य संस्कार प्रणेता ध्यान योगी 108 सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित जिन मंदिर में विराजमान श्री 1008 मनसापूर्ण महावीर भगवान के आशीर्वाद से हमारे दिन की शुरुआत होती है। ये मंदिर दिल्ली NCR गाजियाबाद के मुराद नगर में अविरल बहती गंग नहर के पावन तट पर स्थापित है। मंदिर में महावीर की भूगर्भ से प्राप्त 1200 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी छवि को निहारते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। इस अतिशय क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबकी मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं व भक्तों की झोलियां खुशियों से भर जाती हैं। कभी गिरोगे तो खुद उठ जाओगे, कभी लड़खड़ाओ तो संभल जाओगे। थाम लो मनसापूर्ण महावीर का हाथ, शिखर पर निश्चय ही एक दिन चढ़ जाओगे। इसीलिए गुरु सौरभ सागर ने इन्हें मनसापूर्ण नाम दिया है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला, मनशाएं पूर्ण करने वाला है। कौन कहता है तू लाचार है, गुरु सौरभ सागर तेरे साथ हैं। करुणा के सागर सौरभ सागर एक ऐसे संत जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, जिनका हृदय असहाय विकलांग मानव को देखकर रो पड़ा, जिनका सपना था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, केवल एक शारीरिक दोष है, जिसे बड़ी सहजता से दूर किया जा सकता है। इसी भाव को भाते हुए महान संत की प्रेरणा से जीवन आशा का निर्माण हुआ। दवा व दुआ का अद्भुत संगम जीवन आशा। 20 एकड़ के परिसर में बना जीवन आशा हॉस्पिटल दीन दुखियों की सहायता के लिए दिन प्रतिदिन नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। हॉस्पिटल में आकर दुखियों की तो मानो तकदीर ही बदल जाती है, उनके अंदर जीने की एक नई आशा जाग जाती है। यहाँ आकर चाहे कोई दिव्यांग हो या बीमारी से ग्रसित इंसान, उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जब इलाज किया जाता है तो एक नया ही रंग उनके जीवन में बिखर जाता है। उनका बिगड़ा नसीब पल भर में सवर जाता है। लगता है कि मनसापूर्ण महावीर ने उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डाला है। जीवन आशा पूरे भारत में एकमात्र NGO है जो दिव्यांगों को मुफ्त में आर्टिफिशियल लिम्स तो दे ही रहा है, साथ ही अन्य NGO की तरह कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक ना इस्तेमाल करके हाईटेक प्रोस्थेटिक सॉल्यूशंस का यूज कर रहा है। यहाँ लोअर लिम्स के लिए BK1, BK2, AK1, AK2 और अपर लिम्स के लिए मॉड्यूलर और मैकेनिक हाथ उपलब्ध हैं। जीवन आशा हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज की सबसे पहले जांच की जाती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझा जाता है। उसी के अनुसार हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के सुझावों पर उनको लिम्स लगाए जाते हैं। अगर किसी मरीज के लोअर बॉडी का कोई भी अंग नहीं होता है तो उसे बिलो नी और अबव नी दिए जाते हैं। BK1, BK2 एक मॉड्यूलर प्रोस्थेटिक्स है जिसमें कार्बन फाइबर लेमिनेटेड सॉकेट किट का यूज करके उसे एक डायनेमिक फुट का रूप दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट का पैर घुटने से ऊपर ना हो तो उसे AK1 व AK2 लगाए जाते हैं, जिसमें कार्बन फाइबर सॉकेट के साथ एक बेल्ट सस्पेंशन की सहायता से मैकेनिकल नी और डायनेमिक फुट लगाए जाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोस्थेटिक टीम के द्वारा मरीजों को असेसमेंट किया जाता है और उसकी आयु, मेडिकल कंडीशन और सहन शक्ति के अनुसार उसको उसी तरह के लिम्स की फिटिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। कास्टिंग की प्रक्रिया में मरीज के स्टम्प का नाप लिया जाता है और उसका एक डुप्लीकेट POP बैंडेज का यूज करके बनाया जाता है। इसी स्टम्प का यूज करके लिम्स के सॉकेट तैयार किए जाते हैं। कास्टिंग के द्वारा मिले POP स्टम्प को POP पेज से भरा जाता है, जिसे उसे मनुष्य के पैर या हाथ के नाप के अनुसार बनाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में 3 या 4 घंटे का वक्त लगता है।
इसी स्टंप को फिर पेशेंट की फिटिंग के लिए मॉडिफाई किया जाता है और फैब्रिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फैब्रिकेशन की प्रक्रिया प्रोस्थेटिक डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए जीवन आशा हॉस्पिटल में डबल लेयर सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो वैक्यूम टेक्निक से बनता है। इसमें अंदरूनी सॉकेट एक फ्लेक्सिबल फोम से बनता है और ऊपरी सॉकेट कार्बन लेमिनेशन से तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिन का समय लगता है। फैब्रिकेशन के बाद सारे पुर्जों को साथ में जोड़ा जाता है और आर्टिफिशियल लिम्स तैयार किए जाते हैं। किसी भी प्रोस्थेसिस की फिटमेंट में 4 से 7 दिन का टाइम लगता है। उसके लिए जीवन आशा में एक वार्ड भी बना हुआ है जहाँ पे पेशेंट रुक के यहाँ पे आराम से उन एक्टिविटीज को दिन में ज्यादा से ज्यादा वक्त में ट्रेनिंग ले सके और ट्रेनिंग का आगे जाके फायदा उठा सके। कुछ इसी तरह जीवन आशा में अन्य तरीके की प्रोस्थेटिक मॉड्यूलर टेक्निक से बनाया जाता है। इस हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त में प्रोस्थेटिक दिए जाते हैं और उनकी गेट ट्रेनिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की चीजें बिना किसी सहायता के कर पाए। ट्रेनिंग में अन्य तरह की सुविधाएं जैसे कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेट वॉकिंग ट्रेनिंग व कई स्पोर्ट भी कराए जाते हैं। सौरभ सागर महाराज ने मानव सेवा का जो रास्ता हमें दिखाया, मेरी बस यही इच्छा है उस रास्ते पर चलकर तन मन धन से इस संस्था की सेवा करने और ऐसे ही मानव सेवा के कार्यों में निरंतर अपना योगदान। इस संसार में जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। आइए जुड़ जाइए जीवन आशा से, गरीबों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। यदि आप एक पैसा भी दान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य के खाते में जमा होता है। कहते हैं ना कि दुआएं दवा से अधिक पावरफुल होती हैं। जब कहीं से किसी को लाभ नहीं होता तो केवल जरूरतमंद की दुआएं ईश्वर तक पहुंचकर प्राणी मात्र को लाभ पहुंचाती हैं। आइए अपने कदम बढ़ाइए व एक गरीब असहाय व्यक्ति की जिंदगी संवारने में अपना योगदान देने का संकल्प लें और मानवता का प्रमाण दें। मेरा नाम विजय कुमार सागर है, मैं कैलाश नगर गाजियाबाद में रहता हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने जीवन आशा हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया था, वहाँ से आर्टिफिशियल पैर वगैरह लगवाए हैं। उन्हें लगाने के बाद मैं काफ़ी कम्फर्टेबल महसूस करता हूँ और अपनी लाइफ नए तरीके से नए हिसाब से अपना जी रहा हूँ। इसकी वजह से मैं आज अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ, कहीं जा सकता हूँ आ सकता हूँ, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है इस जग में यहीं पर रह जाना है। कर ले बंदे अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है।